दोस्तों, विश्व के भूगोल में सैन मरीनो देश का एक अपना अलग ही स्थान है। इस देश में कई ऐसी बातें हैं जो इसे अन्य देशों से अलग करती हैं, जैसे कि भाषा, रहन-सहन, वेशभूषा, संस्कृति, धर्म और व्यवसाय। सैन मरीनो को आधिकारिक तौर पर सैन मरीनो गणराज्य कहा जाता है। यह यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। इसे यूरोप का सबसे पुराना गणराज्य भी माना जाता है। सैन मरीनो इमेलिया, रोमांगना और मार्चे क्षेत्रों के बीच इटली के एड्रियाटिक पक्ष पर माउंट टिटेनो की ढलानों पर स्थित छोटा गणराज्य और इटली गणराज्य द्वारा सभी तरफ से घिरा हुआ है। इटली से सैन मरीनो में प्रवेश करते समय विदेशी आगंतुकों को पासपोर्ट दिखाने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती है। यह वेटिकन सिटी और मोनाको के बाद यूरोप का सबसे छोटा स्वतंत्र राज्य है और नाउरू की स्वतंत्रता तक दुनिया का सबसे छोटा गणराज्य भी है। सैन मरीनो ने 3 सितंबर 301 ईस्वी में रोमन साम्राज्य से आज़ादी हासिल की थी। दोस्तों, सैन मरीनो का कुल क्षेत्रफल 61.2 वर्ग किलोमीटर है और इस देश की कुल जनसंख्या सितंबर 2021 के अनुमान के अनुसार 34,026 है। सैन मरीनो की मुद्रा का नाम सैन यूरो है और इस देश की आधिकारिक भाषा इटालियन है तथा इस देश का कॉलिंग कोड +378 है। सैन मरीनो के नागरिकों का लगभग 9वां व 10वां हिस्सा रोमन कैथलिक है। सैन मरीनो एक विकसित देश है और जबकि यह यूरोपीय संघ का सदस्य भी नहीं है, लेकिन इसे यूरोपीय संघ की परिषद के साथ व्यवस्था के रूप में यूरो का उपयोग करने की अनुमति है। यह यूरो सिक्कों के राष्ट्रीय पक्ष पर अपने स्वयं के डिजाइन का उपयोग करने का अधिकार भी प्रदान करता है। साल 2008 से सैन मरीनो को अपने सभी 30 विश्व कप और यूरोपीय चैंपियनशिप क्वालिफाइंग मैचों में हार का सामना करना पड़ा था। दोस्तों, 12 ग्रीष्मकाल और शीतकालीन ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा रखने के बावजूद भी सैन मरीनो ने आज तक कोई भी पदक नहीं जीता है। सैन मरीनो में बिजली इटली से इलेक्ट्रिकल ग्रिड के माध्यम से आयात की जाती है। सैन मरीनो के पास किसी भी अन्य देश की तुलना में सबसे ज्यादा महिला राज्य प्रमुख हैं। सैन मरीनो के नागरिकों के लिए सामाजिक कार्यक्रम व्यापक हैं। राज्य उन लोगों के लिए रोजगार प्रदान करने की मांग करके बेरोजगारी को नियंत्रण में रखने का प्रयास करता है, जिन्हें निजी चिंताओं के साथ काम नहीं मिल रहा है। सभी नागरिक सामाजिक सुरक्षा में योगदान करते हैं। यहाँ मुफ्त, व्यापक, उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा देखभाल और बीमारी, दुर्घटना और बुढ़ापे में सहायता के साथ साथ पारिवारिक भत्ते प्राप्त करते हैं। राज्य अपनी इमारतों की योजनाओं के माध्यम से घर के स्वामित्व में सहायता करता है। 16 साल की उम्र तक शिक्षा मुफ्त और अनिवार्य है। सैन मरीनो विश्वविद्यालय की स्थापना 1985 में हुई थी। लगभग 50 व्यक्तियों का एक सार्वजनिक सुरक्षा बल राष्ट्रीय रक्षा प्रदान करता है। सड़कों का एक नेटवर्क सैन मरीनो को इटली के आसपास के क्षेत्रों से जोड़ता है। मोटर कोच सेवाएं सैन मरीनो शहर को रिमनी, इटली और गर्मियों में सीधे एड्रियाटिक तट से जोड़ती हैं। सैन मरीनो की सेवा करने वाला मुख्य हवाई अड्डा रिमनी में फेडेरिको फेलिनी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इस देश में कोई रेल मार्ग नहीं है, लेकिन राजधानी बोर्गो मैगिगोर से केबल रेलवे के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। दोस्तों, सैन मरीनो का एक अनियमित आयताकार रूप है, जिसकी अधिकतम लंबाई 13 किलोमीटर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक है। यह मारानों और ओसा धाराओं द्वारा पार किया जाता है, जो एड्रियाटिक सागर में बहती हैं, और सैन मरीनो की धारा द्वारा जो मारेचिया नदी में गिरती है। माउंट टिटेनो के विशाल केंद्रीय चूना पत्थर का द्रव्यमान के परिदृश्य पर हावी है।
इसके दक्षिण पश्चिम में पहाड़ियां फैली हुई हैं, जबकि उत्तर पूर्वी भाग रोमांगना मैदान और एड्रियाटिक तट की ओर धीरे धीरे ढलान करता है। माउंट टिटैनो का सिलहूट, जिसके तीन शिखर प्राचीन ट्रिपल किलेबंदी द्वारा ताज पहने हुए है, यह कई मील दूर से भी देखे जा सकते हैं। सन 2008 में माउंट टिटैनो और सैन मरीनो के ऐतिहासिक केंद्रों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी नामित किया गया था। इस देश में पहली स्मारक टिकटें 1894 में जारी की गई थी। इसी वजह से इस देश में प्रतिवर्ष 35 लाख से भी ज्यादा लोग पर्यटन के लिए आते हैं। पर्यटन इस देश के विस्तार का सबसे बड़ा क्षेत्र है और यह निवासियों की आय में एक बड़ा योगदान देता है। यहाँ पारंपरिक पर्यटन के साथ साथ आधुनिक होटल सुविधाओं के साथ साथ आवासीय पर्यटन के आधार पर सम्मेलन प्रकार का पर्यटन भी मौजूद है। कृषि हालांकि अब सैन मरीनो में प्रमुख आर्थिक संसाधन नहीं है, बस महत्वपूर्ण बनी हुई है। यहाँ की मुख्य फसलें गेहूं, अंगूर और जौ हैं, तथा यहाँ डेयरी और पशुधन भी महत्वपूर्ण है। लगभग 3/4 भूमि स्थायी खेती के लिए दी जाती है। इसके अलावा देश के प्रमुख संसाधन उद्योग, पर्यटन, वाणिज्य, कृषि और शिल्प हैं। विनिर्माण में इलेक्ट्रॉनिक्स, पेंट, सौंदर्य प्रसाधन, चीनी मिट्टी की चीजें, गहने और कपड़े शामिल हैं। सिरेमिक और गाढ़ा लोहे के लेख, साथ ही आधुनिक और प्रजनन फर्नीचर सैन मरीनो के पारंपरिक शिल्प उत्पादों में से हैं। ललित मुद्रण विशेष रूप से डाक टिकटों की राजस्व का एक सतत स्रोत है। बैंकिंग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग है। सन 2002 में सैन मरीनो ने इतालवी लीरा को यूरो के साथ अपनी राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में बदल दिया था। राजधानी सैन मरीनो शहर माउंट टिटैनो के पश्चिमी किनारे पर ऊंचा है तथा किले के नीचे इसके एक शिखर पर स्थित है और ट्रिपल दीवारों से घिरा हुआ है। बोर्गो मैगीगोर ढलान के नीचे सदियों से सैन मरीनो का वाणिज्यिक केंद्र था और माल्टेस्टा परिवार के महल के नीचे सेरा वाले कृषि और औद्योगिक हैं। सैन मरीनो चरित्र में अत्यधिक शहरी है और उन तीन शहरों में सैन मरीनो की आबादी का लगभग 2/3 हिस्सा है। सैन मरीनो का अधिकांश परिदृश्य कृषि के रूप में है, लेकिन औद्योगिक चिंताओं ने कृषि जीवन की सदियों पुराने रूपों में घुसपैठ की है। सदियों से चली आ रही उत्खनन ने माउंट टिटैनो के पत्थर को समाप्त कर दिया है और उस पर निर्भर शिल्प को भी समाप्त कर दिया है। यह क्षेत्र अब खनिज संसाधनों के बिना है। सभी विद्युत शक्ति सैन मरीनो के मुख्य व्यापारिक भागीदार इटली से विद्युत ग्रिड के माध्यम से स्थानांतरित की जाती है। सैन मरीनो ने प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में भाग नहीं लिया था। तो दोस्तों, यह थी सैन मरीनो देश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।